आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एक धोखेबाज दोस्त को कैसे पहचाने, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने जो आपके साथ रह रहा है लेकिन आपको उसके ऊपर शंका है कि आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। जब भी आपको किसी व्यक्ति को परखना है या किसी दोस्त को परखना है तो सबसे पहले उसके बारे में ये चेक कीजिए कि वो चुगलीखोर है या फिर नहीं। इसका मतलब है कि वो आपसे जो भी बातें करता है, जो भी आपके सीक्रेट्स है, जो आप उसे शेयर करते हैं, वो किसी और व्यक्ति को तो नहीं बता देता। क्योंकि कई लोगों में ये आदतें पाई जाती है कि वो आपसे बातें कर लेते हैं लेकिन उनके पेट में वो बातें पचती नहीं है और फिर वो जाकर दूसरे लोगों से वो बातें करने लगते हैं, उन्हें वो बातें बताते हैं जो आपकी कुछ सीक्रेट बातें थी। और कई बार होता यही है कि बाद में आपको कहीं ना कहीं से पता जरूर चल जाता है कि ये बात उस व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति को कही गई है और वहां पर आप शांत रह जाते हैं, जबकि आपको शांत नहीं रहना चाहिए। उस व्यक्ति से इस बात को क्लियर करना चाहिए कि क्या उसने ऐसा किया है या फिर नहीं। मतलब एक चुगलीखोर व्यक्ति कभी भी आपका एक सच्चा साथी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा ही आपको इसी प्रकार का धोखा देता रहेगा। दूसरी चीज आप हमेशा पाएंगे कि ऐसे लोग अच्छी चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं। यदि उनके पास कोई विशेष ज्ञान आ जाए या कोई विशेष चीज आ जाए जिनसे उनको ये लगता है कि आप भी ग्रो कर सकते हैं, वो हमेशा ही उस चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे और वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं आप उनसे पहले इस चीज को करके ग्रो ना हो जाए। जबकि एक सच्चा साथी या सच्चा व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता, उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता है। जब भी उसे कुछ चीज सीखने को मिलती है, उसे कोई ज्ञान मिलता है जिसे आपका भी ग्रोथ हो सकता है, तो वो अपने पास उस ज्ञान को नहीं रखेगा, वो आपको भी उसके साथ डिस्कस करेगा और कहेगा कि आपको भी अच्छी चीज जरूर करना चाहिए ताकि आप भी ग्रो कर सके। एक मतलबी व्यक्ति या एक मतलबी दोस्त हमेशा ही जरूरत पड़ने पर ही आपके पास आते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब उनको जरूरत पड़ती है वो तभी आपको कॉल करते हैं, तभी आपको मैसेज करते हैं या तभी आपसे मिलने के लिए आते हैं। और उसके अलावा जब भी कभी आपको उनसे कोई काम होता है कभी भी आपका रिप्लाई नहीं देते हैं। आपके लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते होंगे, तो आपको उनको अपनी लिस्ट से पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए। जो लोग कभी भी आपके अच्छे दोस्त नहीं कहला सकते या नहीं बन सकते, वो हमेशा ही सिर्फ आपकी बुराइयां आपको बताते हैं, कभी भी आपकी अच्छाइयों के बारे में आपको कभी नहीं बताते हैं। वो हमेशा ही आपसे जलन रखते हैं, इसलिए सिर्फ आपकी बुराइयों को ही आपके सामने बार बार लाते हैं ताकि आप हल्का महसूस करें। आपकी लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे, वो जब भी आपसे मिलते होंगे सिर्फ आपकी बुराइयां ही आपको बताते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं और आप ऐसे हैं, और आप इन चीजों को सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे मेरी ये बुराइयां बताई हैं। अब वाकई में हो सकता है कि वो आपकी गलतियां हों, बुराइयां हों, आप उन्हें सुधारने के लिए काम भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बार बार उन चीजों को आपको गिनाते रहते हैं, जबकि आप उन चीजों को सही भी कर चुके हैं उसके बाद भी वो उन्हें बार बार बताकर आपको टोकते हैं। जबकि एक सच्चा साथी, सच्चा दोस्त कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो आपकी बुराइयां भी आपको बताएगा और जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं उन्हें भी आपको जरूर बताएगा और उन बुराइयों को खत्म करने के लिए काम करवाएगा और अच्छाइयों के लिए जरूर आपको प्रोत्साहित करेगा। अगली चीज, हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति आपका सच्चा साथी नहीं है वो हमेशा ही आपसे ईर्ष्या का भाव रखेगा, वो हमेशा ही आपसे जलन करेगा। जब भी आप सफलता पाएंगे या किसी मुकाम को छुएंगे वो आपसे खुश नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर आपसे जलेगा, जबकि सामने वो इस प्रकार से दिखाएगा कि वो बहुत खुश है लेकिन वो कभी भी आपकी सफलता से या आपकी किसी भी चीज से खुश नहीं रहेगा। तो आप भी अपने दोस्तों में इन खूबियों को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे माहौल में नहीं रहेंगे आप सफलता प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। तो आप भी इन खूबियों को अपने दोस्तों में जानिए, जिन लोगों में ऐसी खूबी है सिर्फ उन्हें ही अपना दोस्त बनाइए, बाकी लोगों को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।